फाइनली गाइस हम आज पहुंच चुके हैं अपने रूम 2 में और आज हम करेंगे यहां पर स्टे और सुबह जाएंगे हम कोहाला की तरफ और साथ ही यूपी और नथिया गली भी आपको विजिट करवाएंगे। त्रेठा में आज काफ़ी घूम फिर के रेस्ट करने के लिए अभी रूम में मौजूद हैं सेकंड में और यहां पर आज थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे माल रोड पर, थोड़ा सा माल रोड को भी इंजॉय करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहुंच चुके हैं आज दोबारा माल रोड पे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आज सर्दी थोड़ी ज्यादा है। अपना हाँ त्रेठा में बहुत सर्दी किया। मरी चलो टूट पड़ो। तो हाँ जी बच्चों को आज मरी मजा आया है? यस। क्यों माइलो? और यहाँ से लिए अंकल से ड्राई फ्रूट और चलेंगे वापस। चलो बच्चों। तो आपका भी अस्सलाम वालेकुम, थर्ड डे आप सबको खुशामदीद। आज थर्ड डे हमारे ट्रिप का और आज हम जा रहे हैं कोहाला की तरफ, कोहाला दरिया को देखने, दरियाए नील को। तो आइए चलते हैं। ये है जी दरियाए नील जहाँ पर हम अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आज विजिट करेंगे। तो आइए चलते हैं। ले जी फाइनल हम पहुंच चुके हैं जी दरियाए नील। दरियाए नील का देख सकते हैं कि फैमिलीज की वजह से मैं कैमरे को वहाँ पे मूव नहीं कर सकता, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी जो है वो दरिया के साथ साथ हम नदियों पे बैठे हैं। मज़ा आ रहा है बच्चों। ये है जी दरियाए नील का नज़ारा जो इस टाइम आप देख सकते हैं। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, कल तो बारिश थी और बारिश की वजह से इसका जो पानी है वो नीले रंग में नज़र नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्जॉय बहुत हुआ है इस एरिए में। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ पर सेकंड टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम जब आया था तो इसका जो पानी का कलर था वो बिल्कुल ब्लू था और आज इसके पानी का कलर थोड़ा सा मैला है क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है इसकी वजह से। आप लोगों ने यहाँ पर विजिट करना हो तो कम से कम बारिश का टूर जरूर चेक कीजिए। अगर बारिश है तो यहाँ पर मत आएं क्योंकि आपको यहाँ का पानी देखने का वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको ब्लू वाटर देखने का आएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।